चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा स्टैंडर्ड 701 कम्युनिकेशन ऑफ KAM की ऑडिट मैटर्स इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। सर 701 इसको आए हुए एक ही साल हुए। इस स्टैंडर्ड को स्टार्ट करने से पहले जरा इस स्टैंडर्ड के पर्पस को समझ लेते हैं। इस स्टैंडर्ड का बेसिक बैकग्राउंड क्या है? सर ऐसे 260 के अंदर ऑडिटर एंसर वन मोर थिंग 701 को देखने से पहले इसको रिवाइज करने से पहले एक एडवाइस है कि पहले 706 करना उसके बाद 701 करना राइट। चलिए सर ऐसे 260 के अंदर ऑडिटर कुछ इन्फॉर्मेशन को जो उसको इम्पोर्टेंट लगती हैं वो इन्फॉर्मेशन जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर होते हैं वो 2-4 विद गवर्नेंस के साथ कम्युनिकेट करता है एज पर द एसए 260 राइट। तो सर 701 बोलता है कि तुम जो इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हो 260 के अंदर 701 बोलता है कि अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट लग रही है तो अब से आप वो इन्फॉर्मेशन अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर डाल के यूजर्स के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हो। सर 701 ने क्या किया, उसने मेरे ऑडिट रिपोर्ट की जो कम्युनिकेशन की वैल्यू थी ना उसको इन्हांस कर दिया। उसने ज्यादा इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने का राइट दे दिया है ऑडिटर को। अब सिर्फ हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ओपिनियन के अलावा भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन मुझे इम्पोर्टेंट लगती है एज पर द ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट, अगर कोई इन्फॉर्मेशन एंटिटी को समझने के लिए या फिर मैनेजमेंट की जजमेंट को समझने के लिए सिग्निफिकेंट जजमेंट ना एक एस्टिमेशन राइट, अगर ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन एंटिटी को समझने के लिए या उसकी जजमेंट्स को समझने के लिए किसके मैनेजमेंट की जजमेंट्स को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है तो सर अब वो सारी इन्फॉर्मेशन आप 701 के अंदर डिस्क्लोज कर सकते हो। जैसे ये स्टैंडर्ड आया इस स्टैंडर्ड ने मेरे ऑडिट रिपोर्ट की वैल्यू को इनहेंस कर दिया बिकॉज सर वी आर नॉट जस्ट ऑडिटेड वी आर कम्युनिकेटिंग राइट। सर हम अश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपना ओपिनियन देते हैं ना सामने वाले का उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस इनहांस हो जाता है। एंड सर ये वाला स्टैंडर्ड हमको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने के लिए राइट प्रोवाइड करते हैं। बात समझ में आई? तो सर ये स्टैंडर्ड को हम एक्चुअली सर जब से ये स्टैंडर्ड आया ऑलमोस्ट हर साल मतलब 2-4 बार एग्जाम्स हुए स्टैंडर्ड को आ जाने के बाद सर हर बार इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सर हम जो आज डिस्कस करेंगे ना इस स्टैंडर्ड को इस तरीके से करेंगे मतलब जो क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे राइट। सर 701 का ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरे ऑडिट रिपोर्ट के कम्युनिकेशन वैल्यू को इनहांस करना। ये ऑडिटर को राइट देता है कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि एंटिटी को समझने के लिए और मैनेजमेंट की जजमेंट को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है राइट। नेक्स्ट सर 701 के अंदर ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो KAM को डिटरमाइन करें राइट और उसको अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कम्युनिकेट करें। अब जरा देखते हैं सर KAM को डिटरमाइन करते हुए ऑडिटर किन किन बातों को ध्यान देता है। सर इसको जब भी ऑडिटर KAM की ऑडिट मैटर्स डिटरमाइन करता है तो वो सर इन सारी बातों को कंसीडर करके फिर डिटरमाइन करता है कि सर कौन से मैटर की ऑडिट मैटर है और कौन से नहीं राइट। पहला सर जो इन्फॉर्मेशन हम TCW जो डिस्कस कर रहे हैं अंडर एज पर द एसेट 260 उसमें से हम देखते हैं कि सर कोई इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है राइट। और ये देखने के लिए हम सिग्निफिकेंट रिस्की एरियाज देखते हैं। ऐसे 315 के अंदर हमें सिग्निफिकेंट रिस्क के बारे में बात करी थी लाइक फ्रॉड से रिलेटेड रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क होते हैं, रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क होते हैं, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन एस्टिमेशन राइट, अनयूजुअल इवेंट्स और ट्रांजेक्शन, ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन सी है सर सिग्निफिकेंट रिस्क एज पर द ऐसे 315। तो अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है उसको आप डाल सकते हो। मैनेजमेंट ने अगर कोई इम्पॉर्टेंट जजमेंट बनाया था या फिर कोई एस्टिमेशन लगाए थे आप उसको डिस्क्लोज कर सकते हो। और उसके अलावा सर कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ है, कोई ट्रांजेक्शन हुई है, फॉर एग्जाम्पल आपके क्लाइंट ने सर कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज करी है राइट, या मैनेजमेंट के अंदर कोई चेंज आया है, तो सर इन सारी बातों को आप यहां डिस्क्लोज कर सकते हो। सर ये वाला स्टैंडर्ड किसके ऊपर लगता है? सर लिस्टेड कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होंगी उनका ऑडिट करते हुए ऑडिटर हमेशा की ऑडिट मैटर पैराग्राफ डालेगा। उसके अलावा अगर किसी क्लाइंट के ऊपर रिक्वायर्ड बाय लॉज या रेगुलेशन है
या तो लिस्टेड कंपनी या फिर अदर कंपनी जिसको रिक्वायर्ड बाय है लॉज एंड रेगुलेशन, उसके ऊपर 701 लगेगा। अभी हर क्लाइंट के यहाँ पे 701 नहीं लगता, राइट। उसके अलावा सर, चाहे तो ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग भी, अगर ऑडिटर को लगे कि किसी क्लाइंट के यहाँ पे डालने की नीड है तो वो डाल सकता है। सर एमसीक्यूज के अंदर ध्यान रखना, 3 पॉइंट आ सकता है ऑल ऑफ अबाव, ठीक है। अभी तक हमने डिस्कस किया इसका पर्पस क्या है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है 701 के पीछे, किन कंपनीज के लिए किस क्लाइंट के यहाँ पे कंपलसरी है लगाना, केएम इन मैटर्स को डिटरमाइन करते हुए किन किन बातों का ध्यान देगा। उसके बाद सर सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था ऑडिटर का, कि वो कम्युनिकेट करे। अब हम बात करते हैं सर हम अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इसको कम्युनिकेट कैसे करेंगे। 701 बोलते हैं एक सेपरेट हेडिंग बनाना अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कि ऑडिट मैटर पैराग्राफ, राइट। इसके अंदर आप सर सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डाल सकते हो, राइट। और सर हर इंफॉर्मेशन को अलग अलग से पॉइंट वन पॉइंट टू बना के डाल सकते हैं, राइट। उसके अलावा सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इसको ध्यान से सुनना। सर की मैटर्स इज नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर, इसका मतलब ये है कि सर मान लीजिए आपने यहां पे कोई इंफॉर्मेशन डाल दी तो क्या वो कुछ चीजों का सब्स्टिट्यूट होगा कि नहीं होगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है सर। जैसे कि पहला पॉइंट है कि सर डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर रिक्वायर्ड अंडर एप्लीकेबल FRF। सर अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ने बोला कि कोई इन्फॉर्मेशन आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज करनी है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर आपने की ऑडिट मैटर पैराग्राफ के अंदर डाल दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो इन्फॉर्मेशन यहां नहीं डालोगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे तो जाएगा ही जाएगा, यहां डाल के आप यहां से उस इन्फॉर्मेशन को इरेज नहीं कर सकते। जैसे सर AS1 बोलता है कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज कर रहे हो तो आप इसके बारे में बताओगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, उसका इम्पैक्ट बताओगे और उसका रीजन बताओगे। तो सर आपको अभी भी उस चीज को वैसे ही डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अपने KM के अंदर अगर आपने लिख भी दिया कि इस बार अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज हुई है तो सर ये इस चीज का सब्स्टिट्यूट नहीं है। मॉडिफाई ओपिनियन, सर मॉडिफाई ओपिनियन एज पर द 705 जाएगा, राइट। सर गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग कोई रिपोर्टिंग जानी है तो सर 570 में बोला गया सर, ऐसे 700 के अंदर एक अलग से हेडिंग बनती है, वैसे ही जाएगा उसका रिपोर्टिंग आपने KM में डाल देने के बाद। ऐसा नहीं है कि सर आप 570 के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग ना करें। सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल आइटम्स, सर आपने कोई मैटर्स यहां डाल दिए तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर अलग से रिपोर्टिंग करने की नीड नहीं है, फिर उस पर ओपिनियन नहीं जाएगा, राइट। आप ओपिनियन तो दोगे ही दोगे एज पर द ऐसे 700। सर ये थे जो क्वेश्चन जो इसमें से बन सकते हैं। इसके अलावा सर कुछ क्लैरिफिकेशन हैं वो सुनना। पहला केस ये तो था कि ये स्टैंडर्ड कहां लगेगा, लेकिन सर दो केस हैं जहां पे लिस्टेड कंपनी अगर है भी ना तब भी आप 701 नहीं लगाओगे। पहले चीज प्रोहिबिटेड बाय लॉज एंड रेगुलेशन, या तो उस टाइम पे आपको लॉज एंड रेगुलेशन ने बोल दिया कि आप 701 नहीं लगाओगे, कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करोगे। सेकंड, सर बेसिकली इस स्टैंडर्ड के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो यूजर्स हैं उनके इंटरेस्ट को इनहांस करना, उनको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। लेकिन सर हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है कि अगर उसको डिस्क्लोज किया जाए तो वो पब्लिक इंटरेस्ट पे एडवर्सली इफेक्ट करेगी। सर वो पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर एडवर्सली इफेक्ट करेगी, अगर ऑडिटर को लगता है ना उसकी प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, तो सर आप उस इन्फॉर्मेशन को मत डालना। या तो प्रोहिबिटेड बाय लॉज एंड रेगुलेशन है, या फिर एज पर योर जजमेंट आपको लगा कि ये मेरे पब्लिक इंटरेस्ट को एडवर्सली इफेक्ट करेगी। बात समझ में आई। उसके अलावा सर एक और चीज ध्यान रखना, अगर किसी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर आप डिस्क्लेमर दे रहे हो ओपिनियन के अंदर, तो ऐसे केस के अंदर सर KAM की ऑडिट मैटर पैराग्राफ नहीं जाता, बोल के मना किया गया 701 के अंदर कि अगर डिस्क्लेमर है तो की ऑडिट मैटर पैराग्राफ मत इंक्लूड करना। देखो सर आप ओपिनियन तक देने की हालत में हो नहीं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दोगे। उसके अलावा सर एक और चीज कि मान लीजिए लिस्टेड कंपनी है जहां पे KAM वैसे जाना होता है, लेकिन ऑडिटर को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं जो उसको डिस्क्लोज करनी है, तो क्या होगा, KAM जाएगा कि नहीं जाएगा। सर ये मैटर तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उस टाइटल के अंदर उस हेडिंग के अंदर आप लिख दोगे कि सर यहां पे कुछ डिस्क्लोज करने वाला है नहीं,
मतलब इन्फॉर्मेशन ये मैटर हर बार जाएगी, इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है, अगर इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पे लिख दो, अगर नहीं है तो ये लिख दो कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई मैटर नहीं है जिसको की और इट मैटर पैराग्राफ बनाया, जिसको की और इट मैटर बनाया जाए। बात समझ में आया? लिस्टेड कंपनी है जहां पे ये कंपलसरी है वहां हर केस में जाएगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बता दो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर इन्फॉर्मेशन है तो लिख दो। डिस्क्लेमर दिया ओपिनियन के अंदर तो इसको इंक्लूड मत करना। दूसरा प्रोहिबिटेड बाय लॉज है तो अब इसको इंक्लूड मत करना। थर्ड केस सर, अगर आपकी जजमेंट के अकॉर्डिंग आपको लगता है ये पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर एडवर्सली इफेक्ट करता है तो इसको इंक्लूड मत करना। सर एक और चीज, एक क्वेश्चन है सर, मान लीजिए आपने 18-19 का ऑडिट किया सर, हम ओपनिंग बैलेंसेस को भी चेक करते हो, तो सर आपको 17-18 मतलब लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन में कुछ की ऑडिट इन्फॉर्मेशन मिल गई, कुछ की ऑडिट मैटर मिल गए, तो क्या सर इस बार आएंगे कि नहीं आएंगे? सर 701 ने बोला नहीं आएंगे, सिर्फ करंट पीरियड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है ना उसमें से सेलेक्ट करना कि उसके अंदर से कौन से वाला KAM बनेगा और कौन से वाला नहीं। प्रीवियस ईयर की कोई इन्फॉर्मेशन था कि आप KAM या नहीं बनाओगे, सिर्फ करंट पीरियड की इन्फॉर्मेशन से आप देखना। बात समझ में आई? दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, बच्चे इस चीज पे ध्यान नहीं देते, बहुत बार छोड़ देते हैं, राइट? सर एक और चीज, एक क्लैरिफिकेशन के लिए बता रही हूं, बहुत सारे लोगों को 706 और 701 के अंदर कंफ्यूजन आता है कि सर UM के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन जाती है, OM के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन जाती है और सर आपका KAM के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन जाती है। इसे क्लैरिफिकेशन के चक्कर में चार्ट की पेज पे बनवाया था। सर अगर ध्यान से पढ़ोगे ना, UM के अंदर वो इन्फॉर्मेशन जाती है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है, OM के अंदर वो इन्फॉर्मेशन जाती है जो मेरे ऑडिट रिपोर्ट को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है, एंड सर KAM के अंदर वो इन्फॉर्मेशन जाती है जो कि एंटिटी और ऑडिटर मैनेजमेंट की जजमेंट को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सर ऐसी हैं जो शायद यहां भी जा सकती है, यहां भी। अगर आपने उस इन्फॉर्मेशन को यहां डाल दिया ना तो सर यहां नहीं आएगा, बिकॉज 706 में लिखा हुआ है सर कोई इन्फॉर्मेशन 701 के अंदर आ गई ना तो उसको आप EOM में मत डालना। बात समझ में आई? सर ये था आपका 701। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी प्रॉब्लम है तो सर आप मुझे इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं और इस फोन नंबर पे सर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए सर, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, स्टे इन टच एंड गॉड ब्लेस यू, बाय।